नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। गोरखपुर में आज का दिन राजनीतिक का सुपर शनिवार कहा जा सकता है, क्योंकि आज यहां एक साथ यूपी के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा होगा। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मण और निषाद वोटर्स को साधने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों को लुभाएंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ को बचाने के लिए जोर आजमाइश करेंगे। आपको बता दें, छठे चरण के मतदान से पूर्व बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले चार दिन में पार्टी का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर रहने वाला है। इसकी शुरुआत आज दोपहर में गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में पार्टी की मुखिया मायावती द्वारा मंडल स्तरीय जनसभा से होगी। वहीं विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है। इसी के साथ 28 फरवरी को सतीश चंद्र मिश्रा भी भटहट में जनसभा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, बसपा ने सभी 9 सीटों पर पार्टी ने जाति समीकरण के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखते हुए टिकट बांटा है। निषाद वोट बैंक को साधने के लिए ग्रामीण विधानसभा से दारा निषाद, कैंपियरगंज से चंद्र प्रकाश निषाद है। क्षत्रिय वर्ग को लुभाने के लिए सहजनवा से सुधीर सिंह, तो चिल्लुपार से राजेंद्र सिंह पहलवान को उतारा गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी आज से गोरखपुर में रहेंगे और अपने गढ़ को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। आज शाम 4 बजे पिपराइज में, वहीं शाम 5 बजे वह ग्रामीण विधानसभा व शाम 7 बजे शहर विधानसभा में जनसभा करेंगे। वहीं इसी के साथ 27 फरवरी को सहजनवा व खजनी विधानसभा, 28 फरवरी को चिल्लुपार, पिपराइज, कैंपरेगंज में जनसभा व गोरखपुर शहर में अमित शाह के साथ रोड शो करेंगे। वहीं 1 मार्च को गोरखपुर ग्रामीण, चोरी चोरा, बंसवा, गोरखपुर ग्रामीण व सहजनवा में जनसभा करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया भी गोरखपुर में आकर उपलब्धियां गिनवाएंगे। भाजपा के पास अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2017 में गोरखपुर बस्ती मंडल के 41 सीटों में से 37 सीट भाजपा व उनके सहयोगी दलों ने जीती थी। अकेले भाजपा के खाते में 35 सीटें आई थी। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जो ऐलान होने वाला है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी, उसमें किसको जीत मिलती है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।